चलचित्र अभियान की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। 10-12 साल की उम्र में छात्र नेतागिरी में घुस गए थे और आज तक नेतागिरी में रहे। इनका जी एक नारा मशहूर होया, हर हर महादेव अल्लाह अकबर, वो एक एकता के लिए बहुत महत्व रहा। बहुत अच्छे नेता जी, मतलब अर्जुन जिले मुजफ्फरनगर में इनसे अच्छा कोई नेता नहीं, हमारे पूरे गांव में सबसे बड़े नेता थे जी। लेकिन जब ये खड़े होकर बोलते थे तो पंचायत का रुख ऑटोमेटिक जो है इनकी तरफ को होता था और जो ये कहते थे पंचायत में इनकी बात को पंचायत में माना। दोस्तों बुजुर्गो, क्योंकि हमारा नौजवान भटक गए तो आपकी सागर का हाथ खा कर दिखा दो मुझे। और दूसरा मुझे ये बता दो मुसलमान दिखा दो कितना हाथ आ रहे और नौजवान के पास खोले हैं। आपकी पंचायत में इन्हें हटाना है। स्वास्थ्य बहुत अच्छा था उनका। सुबह नमाज पढ़ने आए, नमाज पढ़ कर जैसे घर गए, घर जाके अखबार पढ़ने लगे तो कुर्सी पर बैठे बैठे अचानक हार्ट अटैक आया और इंतकाल हो गया। 10-12 साल की उम्र में छात्र नेतागिरी में घुस गए थे और आज तक नेतागिरी में रहे। किसान यूनियन के जितने भी फंक्शन हुए उनमें संचालक ये करे थे भाई, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जितने भी है सबका संचालक इन्होंने करा। भारतीय किसान यूनियन के बारे में जब वो इनके वारंट हो गए थे और टिकैत को मायावती के जब उन्हें पकड़न आई थी पुलिस, फौजी आई थी पकड़न, सब ने हथियार दे दिए थे। लेकिन जिस टाइम यहाँ से पुलिस आई हमारा सारा गांव इकट्ठा होगा तो एक तरफा, और नेताजी को पुलिस को नहीं दिया था गांव ने, जो कहा था इनकी एक टोपी टोपी दे दो गाँव, कहा था खड़ा हो गए मुखालिफ माने जाते जो कहना अगर हमने इसकी टोपी दे दी तो हमारे गाँव की इज्जत कहाँ रह जाएगी। किसान यूनियन में जब कोई कहीं आंदोलन होता तो हर मेले में देख चढ़वा देते, ट्रैक्टर भर भर के जाते, कहीं हलवे जा रहे ट्रोली में भर भर के, कहीं चावल जा रहे भर भर के बनकर ले चलो भाई, अब जाकर माइक पर जोड़े थे 3 ट्रोली आई भाई, 4 ट्रोली आई भाई, हर आंदोलन में पट चढ़ के हिस्सा ले रहे थे। जहाँ जेल भरो आंदोलन हुए हम भी गए जेल में गाजीपुर, सारा मोहल्ले का मोहल्ला जेल में पहुँचा दिया। जब बाबा टिकैत को हैदराबाद जेल में पकड़ा गया शायद 1990-91 की बात है, हम जौनपुर भेजे गए थे तो किसान यूनियन पूरा पट चढ़ के हिस्सा लेते। तो अब आगे क्या उनकी जगह कोई ले पाएगा? मुश्किल सी बात है जी, इस जगह तो ऐसा हमारे गांव में कोई लीडर अब नहीं रहा जो इनकी जगह ले पाएगा। किस तरह का उनका व्यवहार रहता था जैसे भारतीय किसान यूनियन में भी हो रहे हैं? भारतीय किसान यूनियन में किसानों का भला करने के लिए आंदोलन करते रहे बहुत काफ़ी समय से, टिकैत के बाबा टिकैत के साथ रहे। इनका जी एक नारा मशहूर होया, हर हर महादेव अल्लाह अकबर, वो एक एकता के लिए बहुत महत्व रहा। हमेशा सद्भावना का काम करते थे और हिंदू मुस्लिम एकता का इनका एक अभियान था। कमी हर इलाके को हर क्षेत्र को महसूस होगी पूरे क्षेत्र। बहुत अच्छा व्यवहार कर रहे थे, ऐसा आदमी होना भारी, हर जगह नहीं बहुत इज्जत थी, बहुत बड़े आदमी है, ऐसे कभी कोई नहीं आने गई, बहुत बेहतरीन आदमी थे, बहुत अच्छे नेता जी, मतलब हर जगह जिले मुजफ्फरनगर में इनसे अच्छा कोई नेता नहीं, हमारे पूरे गाँव में सबसे बड़े नेता थे जी। जो मुजफ्फरनगर
मैं सौहार्द भाईचारा बनाने में जो एक इन्होंने मिसाल कायम की वो कोई नहीं कर सकता। भाईचारा तमाम चीज़ें, चाहे किसान की बात हो, भाईचारे की बात हो, और बड़े ही अच्छे स्वभाव के भले व्यक्ति, और हमेशा किसानों की आवाज़ को, मजदूरों की आवाज़ को जो बुलंद करने वाले आज हमारे बीच से चले गए। इतनी बड़ी क्षति है कि इसकी पूर्ति नहीं की जा सकती। हमने भी देखा है वो सारे किसान पंचायतों में होते थे, किस तरह का स्वभाव इनका होता था? इनका इस तरह का स्वभाव था कि पंचायत का भले ही रुख किसी तरफ जा रहा हो, लेकिन जब ये खड़े होकर बोलते थे तो पंचायत का रुख ऑटोमेटिक जो है इनकी तरफ को होता था, और जो ये कहते थे पंचायत में, इनकी बात को पंचायत में माना था।